आज का व्लॉग बेसिकली यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि वर्क लाइफ इन चाइना जो है शानदोंग जियांग यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन की। प्रोफेशनल फॉर्मल जॉब है, अगर कोई यहाँ पे और जॉब करता है तो उस हवाले से अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, कंपनी जो है वो बहुत हैंडसम सैलरीज दे देते हैं। अ लिटिल बिट इट वुड बी टफ बट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। चंद यहाँ के हवाले से थोड़ा आप लिविंग कास्ट के बारे में बता दे। चाइना एक किस्म का हब बन गया और दुनिया में अमेरिका के साथ कम्पीट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस अभी हम मौजूद हैं ये चोंगचिंग स्क्वायर यहाँ पे जिनान का जो डाउनटाउन है, और पीछे ये आप देख सकते हैं ये जिनान का सिंबल है। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। तो आज का व्लॉग बेसिकली यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि वर्क लाइफ इन चाइना के हवाले से हैं, और डॉक्टर साहब यहाँ पे जॉब करते हैं। तो और उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू डॉक्टर काशिप। मेरा नाम है इनामुल्ला, मैं बेसिकली अपर गिर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने यहाँ से शानदोंग यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है। मेरा और डॉक्टर काशिप का सुपरवाइज़र एक था, इसने मास्टर किया और मैंने पीएचडी किया। फिर पीएचडी के बाद जो है मैंने इधर जो है शानदोंग जियांग यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर जॉब ज्वाइन की। अब मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब यहाँ पे जॉब करते हैं, प्रोफेसर हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे हमें बता दें कि आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे, इवन दो आपकी जॉब फॉर्मल है, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि यहाँ पे आप का कैसा एक्सपीरियंस रहा। साहब मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि बाहर मैंने इतना ज़्यादा जॉब की है, लेकिन जो मेरा जॉब है यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी के लेवल पर जॉब तो इतना टफ नहीं है, मतलब रिलैक्स है। लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ टारगेट्स होते हैं, आपने अपने टारगेट्स जो है वो मतलब अचीव करने होते हैं, तो वो आप पर डिपेंड है आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। बाकी कंपेरेटिवली मतलब हम तो काफ़ी हद तक रिलैक्सड हैं, इतना वो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस अपना काम अपने, चूँकि मैं कंप्यूटर साइंस का जो है वो टीचर हूँ, तो मैं अपना काम मोस्टली अपने रूम से भी कर सकता हूँ। कभी कभी क्लासेस होती है तो कभी ऑनलाइन लेता हूँ, कभी मतलब उधर जाके ले लेता हूँ, इतना वो टफ नहीं है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं आपको बताऊँ तो चाइनीज़ के लिहाज से, चाइनीज़ उनका माइंड सेट ऐसा बन गया है कि ये लोग जो है ये बड़े मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ बहुत मुखलिस होते हैं, काम को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बहुत टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं। इवन मैंने नोट किया है, हमारी सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारी डिपार्टमेंट में इतना सख्ती नहीं है कि कौन किस टाइम आया कि, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कोई भी टीचर अपने टाइम से लेट नहीं आता, तो मतलब ये लोग बहुत मुखलिस है। अच्छा एक और बात डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे जो लाइक चलो आपकी जॉब तो बड़ी प्रोफेशनल फॉर्मल जॉब है, अगर कोई यहाँ पे और जॉब करता है तो उस हवाले से अगर आपको कोई आइडिया हो कि यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस कैसा है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप शेयर कर सकते कोई किसी जी। मेरी कुछ फ्रेंड्स है यहाँ पे, अगर बाहर कोई जॉब करते हैं वो भी मतलब इधर, ये तो आपको पता है कि चाइना में मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कंपनीज जो है वो बहुत हैंडसम सैलरीज दे देते हैं, लेकिन एक बात यह है कि लैंग्वेज बैरियर है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अगर बाहर कंपनीज में आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली सैलरीज बहुत पुरकशिश है, लेकिन आपने वो थोड़ा सा टफ होते हैं ना, अगर आप आते जाते हैं या आपने तो अपने बॉस से आपको पूछना पड़ेगा, जिस तरह चाइनीज़ के साथ रूल है इस तरह इंटरनेशनल के साथ भी वो करना पड़ेगा, तो अ लिटल बिट इट वुड बी टफ बट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। गाइस तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और साथ में सैलरीज भी फॉरनर के लिए बड़ी अच्छी है। जोन से भी आपको यहाँ पे अगर जॉब मिले, कंपनी में अगर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस रिलेटेड काम करता है,
कोई यहाँ पे अगर फॉर्मल काम करता है तो आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक चीज़ है लैंग्वेज बैरियर का, थोड़ा सा वो इसका इशू आता है। लैंग्वेज बैरियर ये बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम आ जाता है, बाकी इस सच कोई यहाँ पे इशू नहीं है। लैंग्वेज आती है तो फिर तो आपके मज़े यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे जो वर्किंग आपका जो वर्क टाइम है या फिर चाइनीज़ का टाइम है, वो किस तरह है? वो कितना टाइम देते हैं लैब को या फिर रिसर्च को, वो किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे लोग कंपेरेटिवली 8 बजे से या 9 बजे से स्टार्ट करते हैं और 4-5 बजे तक वो काम करते हैं ना। कुछ कंपनीज में अगर बाहर आप हो तो 5 से 6 बजे तक वो काम करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको पता है कि चाइना में मतलब वो नेपिंग टाइम होता है ना, मतलब 11-11:30 बजे जो है उनकी छुट्टी हो जाती है और फिर उसमें वो खाना खाते हैं। और क्योंकि इस तरह एक्स्ट्रा इबादत और ये चीज़ें तो इन लोगों की होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है ये फिर सो जाते हैं। और इनकी जो छोटे बचपन से इनका तरबियत ऐसा होता है कि अपने अपने चेयर्स पर भी ये 1-2 घंटे इजीली सो सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो मतलब वो दरमियान में एक गैप आ जाता है, लोग रिलैक्स हो जाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि मतलब लोगों का वो नहीं ना, मतलब जब हमारे जिस तरह के घर में जाके खाना खाए इस तरह, तो ये लोग जो है बाहर खाना खाते हैं और बस जस्ट रिलैक्स होते हैं, इस तरह घर के वो टेंशन वगैरह नहीं होते ना। यहाँ पे चैलेंजेस कैसी है, जब यहाँ पे अगर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या क्या मुश्किल आ सकती है, ताकि वो जो आने वाले हैं यहाँ पे चाइना में काम करने के लिए तो वो उसके लिए तैयार रहे? तो डॉक्टर साहब, आप अपना एक्सपीरियंस बता दें कि चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे। यार चैलेंजेस तो है, मतलब फॉरेनर के लिए अगर उनको लैंग्वेज नहीं आती ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो मतलब बस टाइम जो है आप अपने बॉस को समझाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं समझ सकता, वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। तो ये चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो केयर करते हैं, और कुछ बुरी लोग भी मिल जाते हैं लेकिन कंपेरेटिवली लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन ये है कि जब लैंग्वेज बैरियर हो तो डेफिनेटली मतलब कभी कभी इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो बाकी चैलेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके साथ वर्क वीज़ा हो, आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हो और आप में कोई मतलब कुछ ना कुछ स्मार्ट हो आप, तो आप किसी भी जगह जा सकते हैं, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर आप इजीली मतलब एडजस्ट हो सकते हैं। तो इतनी मतलब चैलेंजेस नहीं, जिस तरह बाहर और दुनिया में आप जाके मतलब सऊदी अरब और इस तरह के, तो उधर लोग काफ़ी मुश्किलात के शिकार होते हैं ना। इधर इधर बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह पे आपको मतलब चांस मिल सकता है। और डॉक्टर का शिप मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, इधर जो लोग होते हैं अपने लोकल, इधर कोई भी बेरोज़गार नहीं रहता। जो लोग बेरोज़गार रहते यार इतने स्किलफुल लोग हैं ना, इधर के जो लड़कियाँ और वो होते हैं ना जो जॉब नहीं करते, या मतलब जो हाउस वाइफ होते हैं जो मतलब वो काम नहीं करते, यार इतनी इतनी चीज़ें वो बना सकते हैं ना हाथों के, कि एक एक चीज़ वो मतलब बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन उस पर लगेगा और वो 1,500 RMB पर वो बिक सकता है। तो इतनी इन लोगों की स्किल्स है और इतनी इन ये लोग जो है ये मतलब दुनिया से अब ये इसी वजह से कंपटीशन कर रहे हैं कि ये लोग जो है ये अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो मतलब यूनिक हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, मैं एग्री करता हूँ 110%, क्योंकि जब मैं यहाँ से मास्टर कर गया तो यहाँ पे जो हमारे साथ लैब फेलो थे वो सारों को जॉब मिल गई थी, इवन आफ्टर जो लास्ट ईयर था उसके दौरान ही उनको जॉब मिली थी। और बाकी डॉक्टर साहब, मैं आपको एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। इधर देखिए ना, इधर हमारे स्कूल में जो जितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं और जितने होते हैं, तो इधर सारे स्टॉल लग जाते हैं, बिजनेस फोरम्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स आ जाते हैं। उधर स्कूल में आखिरी सेमेस्टर होता है और उन लोगों की इंटरव्यूज कंडक्ट करके ना, और डिग्री लेने से बीएस डिग्री लेने से पहले उनको जॉब मिल जाता है। अभी तक मेरा जो मेरी डीन है और मेरा जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो ग्रुप में मैसेज करते हैं कि यार अगर हमारी यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएट हो और उनको जॉब नहीं मिला हो तो उनको टीचर्स असाइन किए कि भाई इनको जॉब दिलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये अच्छी बात है। तो इधर वो
हमारी पाकिस्तान में तो मतलब डिग्री ले और फिर 10 साल 15 साल तक तो आप सोच भी नहीं सकती। के प्रोफेसर ही बड़े फ्रेंडली हैं, यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे जॉब फाइंड करने में। तो डॉक्टर साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के हवाले से, थोड़ा आप लिविंग कास्ट के बारे में बता दें कि कितना मंथली एक सिंगल बंदे का हो सकता है और एक फैमिली में के साथ रहने वाले बंदे का हो सकता है। तो आप ब्रीफली इस पे थोड़ा सा बात करें। डॉक्टर काशिप, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ओनली चाइना में नहीं, ये मतलब दुनिया के जिस कोने में भी आप जाए, लिविंग कास्ट ये आपके अपने वो हद तक है ना, आप कितना लगाते हैं नहीं, कितना लेकिन वो, आप अपना एस्टीमेट बता दें, मैं वो तो आपको एस्टिमेट बताओ, अगर कोई है वो मतलब ये नॉर्मल ब्रांडेड लाइफस्टाइल। कॉन्शियस ना हो, ठीक है, मतलब ये शर्ट्स वगैरह और ये जीन्स और इस तरह के बाकी ब्रांडेड चीज़ों पर इतनी ज़्यादा सर्फ नहीं करते, तो बाकी खुराक पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, अगर आप बहुत अच्छा खुराक भी करते हैं तो मतलब 2,000 पर मंथ ले, अगर आपके साथ फैमिली है तो 4,000 तक कर दे, तीन तो डॉक्टर पैंतीस साहब, सौ कर दे। आपका मकसद कहने का मकसद कि फूड पे आपका विद इन 2,000 4,000 फैमिली हाँ के साथ ये आप रह सकते हैं रह इजीली, सकते हैं, इजीली आपकी नॉर्मल लाइफ हाँ गुजर सकती है। गुजर बाकी सकते मुझे हैं। पता है कि लाइफस्टाइल अगर होगा किसी का तो वो काफ़ी वो होगा, तो काफ़ी का और लाइफस्टाइल जो होता है वो हर बंदे का डिफरेंट है। अगर आप जितना बढ़ा सकते हैं वो तो बंदे पे डिपेंड करता है, हाँ पर नॉर्मल लाइफ ना 2,000 देखिए होगा। ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है आते हैं और 1,000 RMB में वो अपना एक अच्छा लिविंग स्टाइल के साथ हो रहे हैं, 1,000 RMB के अंदर, मतलब अगर वो ताओबाओ से या इस तरह के जगहों से मतलब अपने लिए शर्ट्स वगैरह और ये चीज़ें भी मंगवाए और इसी तरह की फूड्स वगैरह में फिर भी थोड़ा सा बैलेंस रखे तो 1,000 के अंदर भी हो सकता है। ठीक है कि डिपेंड करता है कि बंदे के लाइफस्टाइल पे। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं एवरेज कास्ट 2,000 मैक्सिमम अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारे सिंगल बंदे के लिए। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में, एक अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है वर्क के लिए तो उसको को अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि चाइना जो है, चाइना में मतलब लोगों को आना चाहिए, खसूसन स्टूडेंट्स को, इधर मतलब अगर पार्शल स्कॉलरशिप भी मिल जाए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से अच्छा है और बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, बाकी है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं या मतलब बिजनेसमैन आ जाते हैं तो आई थिंक कि लैंग्वेज का उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए ना, यानी कि इनिश लैंग्वेज हाँ थोड़ी सी सीखनी चाहिए थोड़ा सा सीखनी चाहिए, ताकि तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब वो अपनी सोच से भी आगे कमा सकते हैं। इधर जी जी चाइना में देखें, चाइना में ये है कि इधर आपको वो लिविंग वो नहीं मिलता ना, लाइक ग्रीन कार्ड और या रेजिडेंशियल परमानेंट रेजिडेंशियल के वो नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ पे आप दे सकते बहुत हैं। शॉर्ट टाइम में आप पैसे बना सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए आपने थोड़ा सा वो अपना दिमाग प्रिपेयर करना है ना कि मैंने कैसे पैसे बनाने हैं, तो इधर बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लैंग्वेज आती हो ना, तो इधर कल हम वो डिनर पर गए थे ना, तो वो लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार इधर एंटरप्राइज आते हैं और वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं कि इसमें हमारे साथ काम करें, तो आप अपनी अपनी जो जिधर आप काम करते हैं एक कंपनी के साथ, आप दो दो तीन तीन कंपनियों के साथ एक्स्ट्रा टाइम में भी काम कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को आना चाहिए और इंशाल्लाह ये जो है चाइना, तो अब ये सारी दुनिया में मतलब ये इसके कारोबार है और इसके वो मार्केट है, तो लोगों की इस तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि यहाँ पे चाइना एक किस्म का हब बन गया और दुनिया में अमेरिका के साथ कंपीट कर रहा है। तो यहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड तो वन ऑफ द बेस्ट है, अगर आप यहाँ पे आएंगे एंजॉय करेंगे, सेकेंडली पैसे भी कमा सकते हैं। थोड़ा सा वो जो चैलेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब, और मेरा भी ये मानना है कि लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा, और बाकी ये है कि यहाँ पे आगे आपको ग्रीन कार्ड या फिर नेशनलिटी का वो सीन नहीं बन सकता। बाकी कुछ सिटीज़ में, शंघाई में भी ये स्टार्ट हुआ है पर अभी वो इतना डिवेलप नहीं है, तो ये इनके लिए तैयार रहें और बाकी यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलो डॉक्टर साहब, ये छोटा सा व्लॉग था, इसको अब अभी यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू और डॉक्टर, थैंक यू। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट्स में
जाके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने एक्सपीरियंस और डॉक्टर साहब भी आप लोगों को कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। तो चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और बस काशिफ की तरफ से तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।